दोस्तों नमस्कार, नए वीडियो में आपका स्वागत है। और इस शानदार व्यू के साथ ऊपर आप देखेंगे ये दिल्ली अजमेर या दिल्ली मुंबई हाईवे, इधर दिल्ली और इधर ये मुंबई का हाईवे, और ये नीचे 200 फुट बाईपास सिग्नल। बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है, बने रहें। आइए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में यहाँ 200 फुट बाईपास से इधर मुंबई की तरफ जाने वाली रोड से मणिपाल यूनिवर्सिटी तक जाने वाले हैं। बहुत ही शानदार वीडियो होगा, बने रहें। और ये यहाँ पर बस का स्टॉप, 200 फुट बाईपास बस स्टॉप इसे बोलते हैं। जो बसें अजमेर की तरफ या आगे जोधपुर जैसलमेर या गुजरात की तरफ निकलने वाली सब बसें यहाँ से निकलती हैं, पीछे सिंधी कैंप से आती है, और यहाँ से फिर ये स्टॉप है 200 फुट बाईपास का और आगे निकलती हैं। और इस ब्रिज के साथ साथ हम आगे चलेंगे। और ये ब्रिज के नीचे से ट्रैफिक यहाँ से इस रोड पे मिल जाता है। ये देखिए आप, 121 किलोमीटर और 65 किलोमीटर का ये बोर्ड लगा हुआ है। आइए आगे चलते हैं। और ये इस हाईवे पे हाईवे किंग, और इधर ये अमर पैलेस होटल, और आगे ये गीतांजलि, ये सब इसी रोड पे। और ये अजमेर की तरफ जाता हुआ रोड, यदि इस रोड की बात करें तो ये दिल्ली से मुंबई का रोड, दिल्ली से मुंबई की बात करें तो बहुत ही लंबा रास्ता का ये हाईवे ब्रिज, और ये पूरा ट्रैफिक। आइए आगे चलते हैं। और इस ब्रिज से ये यहाँ का व्यू, नीचे ये जयपुर की चलती हुई रोड, और इधर ये हाईवे, और इधर ये पूरा यहाँ का व्यू। आइए आगे चलते हैं। और ये आपकी स्क्रीन पे जयपुर का सबसे बड़ा यानी सबसे ऊंचा टावर इसी रोड के ऊपर है, अजमेर रोड, और ये चलता हुआ ट्रैफिक। और ये इसी रोड पे कुमराशी पैलेस, एक मैरिज गार्डन, और ये अजमेर रोड का व्यू। और ये यहाँ पर महात्मा ज्योतिबा फुले मुख्य अमंडी प्रांगण, अनाज मंडी और फल और सब्जी मंडी, जो यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पर लेफ्ट साइड में यहाँ से निकलते हैं तो आ जाता है। और ये पूरा आगे भागरोटा का एरिया आ गया इस हाईवे के दोनों तरफ, भागरोटा राइट साइड में पूरा भागरोटा है। वैसे आगे सिग्नल आ रहा है, आइए आगे चलते हैं। और ये भागरोटा तिराहा, आइए आगे चलते हैं। ये भागरोटा का पुलिस थाना, भागरोटा चौराहा से आगे निकलते ही इस साइड में आप देखिए रोड की दूसरी तरफ, और ये पूरा अजमेर रोड, और यहाँ से ये बगरू 15 किलोमीटर का बोर्ड, और ये पूरा हाईवे का व्यू। और ये सामने एक फार्म हाउस, आइए और आगे चलते हैं। सामने इसी रोड पे मैरिज गार्डन कोठारीगढ़, और ये यहाँ, और ये सामने बसें खड़ी हैं। 29 नंबर बस का स्टॉप है यहाँ पर, जो भागरोटा से चलती है, जयपुर के अंदर जाती है। और ये यहाँ का भी, आइए आगे चलते। और ये जयपुर रिंग रोड, जो यहाँ से टोंक और आगरा को जाने वाले रास्ते पे मिलाती है,
और ये यहाँ का व्यू, और ये इसी के सामने DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल, और ये पूरा अजमेर रोड का व्यू। आइए आगे चलते हैं। इधर ये रिंग रोड चला गया और ये अजमेर हाईवे, दिल्ली मुंबई हाईवे। और सामने आप देखेंगे यहाँ भी ब्रिज का काम चल रहा है, रिंग रोड जो बनेगा चारों तरफ, जयपुर के चारों तरफ घूमता हुआ रिंग रोड, उसका आधा हिस्सा बन गया है, आधा हिस्से में काम चल रहा है। आइए और आगे चलते हैं। और ये यहाँ पर JK लक्ष्मी यूनिवर्सिटी 1 किलोमीटर आगे, और ये यहाँ सीधा जाएंगे तो अजमेर और किशनगढ़ का जो हाईवे है इसके ऊपर अभी अब चल रहे हैं। और यदि यू टर्न करेंगे आगे ये सिग्नल से तो दिल्ली की तरफ, जिधर हम आए हैं जयपुर से दिल्ली जो है वो निकल जाएगा, तो दिल्ली की तरफ है तो यू टर्न करना है, और बाकी हमें आगे सीधा चलना है अभी। आइए चलते। और ये इसी रोड पे पिंक पर चौकी डाणी जो टॉप रोड पे है उसी का एक ब्रांच, एक तरह से पिंक पर, तो इसी दिल्ली मुंबई हाईवे के ऊपर ही है। और आगे से महिंद्रा सेज का भी रास्ता लेफ्ट साइड में निकलता है। आइए और आगे चलते हैं। और यहाँ से यदि हम लेफ्ट में घूम जाते हैं तो सर्विस रोड, तो महिंद्रा सेज तो आगे से लेफ्ट में रास्ता निकलता है, हाईवे चलता हुआ। आइए और आगे चलते हैं इसी रोड पे। ये यहाँ पर रामचंद्रपुरा विलेज, बागरोटा से निकलने के बाद अगला विलेज, और ये पूरा यहाँ का व्यू। आइए और आगे चलते हैं। और ये यहाँ पर बढ़ के बालाजी, बालाजी से हम व्यू देख लीजिए, ऐसा व्यू यहाँ का। और यहाँ आगे टोल, तकरीबन 2 किलोमीटर आगे टोल है। आइए और आगे चलते हैं। और यहाँ से टोल बूथ 2 किलोमीटर रह गया। ये बढ़ के बालाजी का व्यू यहाँ से। आइए इसी रोड पे आगे चलते हैं। NH8 अहमदाबाद 644 किलोमीटर और अजमेर 111 किलोमीटर, इसी रोड पे आते हैं। अहमदाबाद से आगे सूरत, सूरत से आगे मुंबई, ये पूरा हाईवे जाता है, और पीछे ये दिल्ली से आ रहा है। और अभी हम जयपुर से हमने शुरू किए हैं, मणिपाल यूनिवर्सिटी तक जाने वाले हैं, तो आइए आगे और चलते हैं। यहाँ से किशनगढ़ 84 किलोमीटर और आधा किलोमीटर पे इधर टिकरिया गांव, ये यहाँ का व्यू। आइए और आगे चलते। और ये टोल से आधा किलोमीटर पहले ही वाटिका इंफोटेक सिटी, यहाँ से एंट्री है। और ये आगे आधा किलोमीटर पे टोल है। आइए और आगे चलते। और ये पहला टोल प्लाजा जयपुर से अजमेर रोड पे निकलने के बाद, और ये यहाँ का व्यू। आइए आगे चलते हैं। और ये हाईवे के ऊपर ये भाई साहब भूरा भाई, और ये नमकीन बेचते हैं इसी हाईवे के ऊपर। आइए और आगे चलते हैं। और ये यहाँ पर सुविधाएं बनी हुई हैं, टॉयलेट्स को यूज करना चाहे हाईवे के ऊपर। और ये यहाँ का पूरा व्यू है टोल के बाद का। आइए और आगे चलते हैं। यहाँ से मणिपाल यूनिवर्सिटी 3 किलोमीटर और आगे इसी हाईवे के ऊपर, और इस हाईवे का व्यू ये। आइए और आगे चलते हैं। और ये इसी हाईवे के ऊपर खाने के ऑप्शन, खाने का होटल, बहुत सारे होटल आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर
स्पेशल चाय, स्पेशल लस्सी, स्पेशल खाना, गुजराती खाना, राजस्थानी खाना, दाल बाटी चूरमा, ये सब यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। इस हाईवे के ऊपर बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलते हैं। आइए और आगे चलते हैं। और यहाँ से मुंबई 1190 किलोमीटर, किशनगढ़ 80 किलोमीटर पे है, और ये हर ध्यानपुर विलेज है इधर, और ये पूरा हाईवे का व्यू है। आइए आगे चलते हैं। किशनगढ़ 79 और दहमीपुर यहाँ से 300 मीटर के अंदर लेफ्ट साइड में, और ये यहाँ का व्यू। और यहाँ से हमें राइट में घूमना है इस कट के अंदर से, ये यहाँ का व्यू है। ये मणिपाल यूनिवर्सिटी का बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है इस हाईवे से अंदर आते ही। आइए आगे चलते हैं। और ये अंदर घूमते ही व्यू, और ये यहाँ पर कुछ दुकानें आती हैं आगे, और ऐसा ये व्यू है। और ये दहमी कला विलेज, और ये सीधा रोड नेपाल को चलता है। आइए आगे चलते हैं। ये दहमी कला विलेज को जैसे ही क्रॉस करते हैं, ये बिल्कुल पास में ही आगे नेपाल का व्यू आपको दे देते हैं। आइए आगे चलते हैं। और ये मणिपाल का एरिया शुरू हो जाता है। यहाँ यदि हम बात करें कि इस रोड पर निकलते हैं तो सांजरिया विलेज आता है आगे, इधर बेगस, और ये यहाँ पर मणिपाल का व्यू। ये मणिपाल यहाँ से आपको दिखता है, और सामने ये पार्किंग, और इधर ये हॉस्टल के बिल्डिंग है। ये हॉस्टल अलग अलग गर्ल्स और बॉयज़ का, और ये यहाँ की पार्किंग। और ये मणिपाल के बिल्कुल सामने गेट के हॉस्टल, एक व्यू आपको पार्किंग से, और ये सामने सैमसंग, और ये यहाँ से मेन एंट्री फ्लोर 1, ये मणिपाल का लोगो और नाम। तो ये पूरा यहाँ का व्यू है। तो दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका कोई भी कमेंट है तो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।